बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे खुबानी का मीठा। ये मैंने रात को भिगो दी थी, आधा किलो खुबानी है। ये देखिए कितनी मोटी हो गई फूलकर। इसमें से हम सारे बादाम निकाल लेंगे, वो हम इसमें गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे सब। ये हमने सारे बीज निकाल लिया खुबानी के, और ये जो इसका बचा हुआ पानी, ये मैंने धो के डाला, इसको भिगोया था, तो ये वाला पानी भी इसी में डाल दूँगी। इसी में पकाएंगे हम इसे, बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। और ये जो बादाम है, ये धो के से सारे निकाल लूँगी मैं। ये खुबानी अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब इसमें हम 1 कप डालेंगे चीनी। 1 कप से ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ये खुद भी मीठी है, ये सिर्फ शीरे की वजह से, ताकि ये अच्छा सा पक जाए। आधी खुबानी को मैं ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी, और आधी को मैं साबुत छोड़ दूँगी। और ये जो बादाम निकले थे, वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। वो बॉईल हो जाएंगे, कुछ वो डालूँगी, कुछ मैं दूसरे डालूँगी बादाम इसमें गार्निश के लिए। ये देखिए मैंने थोड़ी सी साबुत बचा ली है, इसमें मोटे मोटे पीस हैं, और बाकी जो मैंने ब्लेंड कर ली है, ये ब्लेंड करके डाल दिए। आप चाहें तो साबुत रख लें, या पूरी ब्लेंड कर लें, जैसे आपकी मर्जी है। ये पकना शुरू होगी, इसमें चुटकी भर दालचीनी का पाउडर डाल दिया हमने, और थोड़ा सा मैं फूड कलर डालूंगी ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। ये तकरीबन हमारी चटनी तैयार है, खुबानी का मीठा या चटनी जो भी बोले आप। बहुत मज़ेदार, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब इसमें मैं बादाम उससे गार्निश करूँगी, और जो इसके बादाम निकले थे वो मैं साबुत डाल दूँगी इसमें। बस ये ज़रा सा 5 मिनट तक और पकाते हैं इसको, डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है, मज़ेदार। हम लोगों ने थोड़ा सा गाढ़ा रखा, आप चाहें तो थोड़ा सा पतला कर सकते हैं इसको। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, ये जो बादाम निकले थे इसमें से ये डाल दूँगी सारे इसमें। ये खुबानी का मीठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने ऊपर से बादाम डाल दिए, वो छोटे वाले बादाम जिसमें से निकले थे मैंने वो भी अंदर डाल दिए। देखिए नज़र आ रहे होंगे आपको, ये देखिए ये रहे। बहुत मज़ेदार रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।